बड़ी खबर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के पोस्टमार्टम को लेकर सामने आ रही है। बीते कल सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा था और अब जो जानकारी सामने आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल की ओर से मुंबई पुलिस को सौंप दी गई है। कुछ देर में आधिकारिक तौर पर मुंबई ये खुलासा करेगी। 40 साल के अभिनेता का निधन आखिर किस वजह से हुआ? ओशिवारा पुलिस स्टेशन के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धार्थ की बॉडी पर किसी भी तरह की किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट को 5 डॉक्टर्स की टीम ने तैयार किया है। 3 एक्सपर्ट डॉक्टर ने उनका पोस्टमार्टम किया है। मुंबई पुलिस इस मामले में कोई चांस नहीं लेगी। सिद्धार्थ के विसरा को फॉरेंसिक जाँच के लिए कलीना फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। यहां से आने वाली हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के बाद ही ये बात साफ हो पाएगी कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक के चलते हुआ है या किसी और वजह से। मुंबई पुलिस की ओर से ये साफ कह दिया गया है, हम जल्दबाजी में किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहते, अभी हम केमिकल और एनालिसिस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुंबई पुलिस के हाथों में लग चुकी है। 5 डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम ने सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन फाइनली जो अभी ताज़ा जानकारी सामने आई है, रिपोर्ट में सिद्धार्थ की बॉडी पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस अभी केमिकल और एनालिसिस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। इस बारे में एक कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें उन सभी कारणों पर रोशनी डाली जाएगी जिसके चलते सिद्धार्थ अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें, घर पर ब्रह्मा कुमारी से जुड़े 4 लोग अपने रीति रिवाज से पूजा पाठ करेंगे। सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को कुछ देर घर पर रखने के बाद 12 से 1 बजे के बीच ओशिवारा शमशान घाट पर रवाना कर दिया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। SPA रिपीट, Next9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।